अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का फिर से और एक बार इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे जमात चहरुम का मजमून उर्दू। 17वां दिन, 17वीं सरगर्मी हमारी आज की। हम आज पढ़ेंगे महारत तसव्वुर, पढ़ना और लिखना। इससे पहले हम कई सरगर्मियों में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ने और लिखने की, क्योंकि बुनियादी चीज़ ही पढ़ना और लिखना है। जब हम पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे तो सारी चीज़ें हम आसानी से सीख लेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, आपको जो चार्ट दिया जाएगा उस चार्ट में आपको क्या करना है, जो अल्फाज दिए गए हैं वो अल्फाज को आपने पढ़ना है और उसको लिखना है, उसकी मशक करना है। ऐसे कुछ अल्फाज मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आपने उसको बगौर समात करना है और मेरी बात दोहराना है अल्फाज के तलफ़ुज़ को। उसके बाद आपने जो आपको अल्फाज के ग्रुप का जो 6 नंबर का चार्ट दिया जाएगा उसको आपने पढ़ना है, और उसके साथ आसान जुमले भी कुछ आपको बताए जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको उसको भी सुनना है, समाप्त करना है, और आपको जो दिया जाएगा होमवर्क उसको आपको करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा लफ्ज़ हमारे सामने आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है आका। आपको रवानी के साथ पढ़ना है, मेरे बाद दोहराना है आका। उसके बाद क्या है आहा। उसके बाद क्या है आहा। उसके बाद देखिए पाना, क्या है पाना। उसके बाद तारा, तारा। उसके बाद देखिए क्या है दाना, क्या है दाना। उसके बाद देखिए कौन सा लफ्ज़ आ रहा है सा। उसके बाद देखिए लाना, क्या है लाना। उसके बाद देखिए कुछ मुश्किल अल्फाज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है तिलावत, क्या है तिलावत। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है ताखीर, क्या है ताखीर। उसके बाद देखिए थका मांदा, क्या है थका मांदा। उसके बाद देखिए सबूत, क्या है सबूत। अब देखिए कौन सा लफ्ज़ आ रहा है चाल ढाल, क्या है चाल ढाल। उसके बाद देखिए हिमाकत, क्या है हिमाकत। चलिए इसके बाद हम कुछ लफ्ज़ अल्फाज और अल्फाज को मिलाकर जुमले बनाकर आसान जुमले पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको पहेलियाँ भी बुझाई जाएंगी, पहेलियाँ भी आपको सोचना है। देखिए कौन से आसान जुमले हैं आपके सामने जो नज़र आ रहा है चार्ट। आ आ आम वाले आ आ, आ आ आम वाले आ आ, थोड़ा रुक कर तब तू जा, थोड़ा रुक कर तब तू जा। आम दिख रहे हैं बहुत रसीले, आम दिख रहे हैं बहुत रसीले, थोड़े लाल और थोड़े पीले, थोड़े लाल और थोड़े पीले। देखिए प्यारे बच्चों, दुनिया की हर चीज़ इस्तेमाल करने से उसकी झीझ होती है, लेकिन दिमाग ही ऐसा चीज़, जब दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल जितना हम ज़्यादा करेंगे उतना वो तेज़ होता जाता है। इसलिए आपको अपने दिमाग पर जोर देना है, और आपको क्या करना है पहेलियाँ बुझाना है। जो पहेलियाँ होती हैं उसको आपने पहचानना है कि कौन सी पहेली है। चलिए हम कुछ, मैं आपको पहेलियाँ दूंगा, आपने अपने दिमाग पर जोर लगाना है। हो सके तो आपने वीडियो को स्टॉप कर दिए और आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचे कि क्या कहा जा रहा है, पहेली किस चीज़ का नाम लिया जा रहा है, या फिर पहेली कौन सी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक दो बता देता हूँ। जैसे काली इसकी वर्दी धीमी इसकी चाल, काली इसकी वर्दी धीमी उसकी चाल, हर घर में ऐसे फिरे जैसे हो कोतवाल। कौन हो सकता है सोचिए, आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए। वो है कौवा। कौन है कौवा। चलिए देखिए दूसरी पहेली हम बुझाते हैं। दूसरी पहेली क्या है, 7 हर्फी नाम है इसका, 7 हर्फी नाम है इसका, लोहे पे चलना काम है इसका। कौन है ये सोचो, अपने दिमाग पर जोर लगाओ। 7 हर्फी नाम है इसका, लोहे पे चलना काम है इसका, रेलगाड़ी। क्या है रेलगाड़ी। चलिए अब और अगली पहेली देखते हैं। कोई न देखे और दिखलाए, कोई न देखे और दिखलाए, लेकिन वो सबको तड़पाए। कोई न देखे और दिखलाए, लेकिन वो सबको तड़पाए। क्या हो सकता है
वो है दर्द। क्या है? दर्द। अब देखिए अगली पहेली क्या है। चुप बैठे तो बोर करे हाथ मारो तो शोर करे। कौन है सोचिए? वह है ढोल। देखिए इस तरह की पहेलियाँ आपको बुझाना है, मतलब आपको पहेलियों पर जोर देके सोचना है कि क्या कहा गया है, वो क्या हो सकता है। ये आपकी सरगर्मी है। आपको जो चार्ट में दिया गया है, सबसे पहले आपको तो ये हरफी ग्रोह का जो चार्ट दिया गया है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। आसान आसान जुमले बनाने की कोशिश करना है, अपने तौर पर भी जुमले आपने बनाना है और इसकी मशक करना है। और इसके साथ आपको जो सामने चार्ट दिया गया है, इन मुहावरों को, इन पहेलियों को आपने पहचानना है और उसको लिख कर आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। यही हमारी आज की सरगर्मी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।